आदि होशियारपुर के डीएवी बीएड कॉलेज में भारत गौरव संस्था की ओर से महिला दिवस को समर्पित समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके विद्यार्थियों द्वारा सभ्याचारक प्रोग्राम भी पेश किया गया। इस मौके उपस्थित गणमान्यों ने अपने अपने विचार पेश किए। विशेष रिपोर्ट होशियारपुर न्यूज। अपने देश का जय घोष करें, बोलिए भारत माता की। सभी ने यहाँ पर अपने गर्व से अपने राष्ट्र अपने देश तथा जय घोष किया और आप सभी ये जय घोष हर बार करते होंगे, बहुत बार आपने उच्चारित किया होगा। लिख रहा था और मैं सोच भी रहा था कि एक तलवार की इस सेमिनार के लिए सभी को एक पेन और बैग बैग भी दे दी। तो बहुत ज़्यादा होता कि लास्ट हमें एक डिस्क निकाल लेते और एक चाकू लेके आ जाते, क्योंकि बड़ी डिसिप्लिन ऑडियंस है और बहुत अच्छे ढंग से सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अगले सेमिनार के अंदर हम सभी को लिखने के लिए भी कुछ दें। मैं आता आता भी लिख रहा था, मंच पर बैठा बैठा भी लिखता रहा, क्योंकि सेमिनार के अंदर व्यक्ति बोलता है भानिया भैया संबोधन करेंगे करवाए गए सेमिनार देते महिला दिवस होते बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बैठे तृप्ता देवी तृप्ता भाई जेडे के दिव्या संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी महिला कमीशन भी रही थी। एक मर्यादावान होनिया चरित्र निर्माण महिला और समाज जिम्मेवार बात मानते हैं कि समाज चलाने सब तो बड़ी जिम्मेवारी अगर है तो महिला पर जिन्होंने इस नजरिए जोड़िया गया कि उस अध्यात्मक सोच की होनी चाहिए, अध्यात्मक सोच के नाम भी जोड़िया साशासनिक जिम्मेवारी हमारे साथ बने हुए हैं साध्वी तृप्ता भारती जी नूर महल वाले, आइए इनके विचारों से आपको अवगत करवाएं। साध्वी जी, सबसे पहला सवाल ये है कि भारत के साथ माता शब्द का क्या अर्थ है? जी, भारत के साथ ये माता शब्द, भारत अपने आप में पुलिंग है लेकिन उसके साथ माता स्त्रीलिंग ये जोड़ा जाता है। उसके पीछे कारण है अत्यधिक सम्मान देने की भावना। भारत अपने राष्ट्र को अत्यधिक सम्मान देने के लिए माता शब्द का प्रयोग किया गया। एक सुप्त चेतना है और उस सुप्त चेतना को जब हम जागृत कर लेते हैं अध्यात्म की शरण लेकर के, तो वह स्वयं ही अपना रक्षण कर सकती हैं।
आज के समाज में भी। बिल्कुल बिल्कुल आज के। सो बहुत बहुत धन्यवाद, इनके इतने उत्तम विचारों से हमने आपको अवगत करवाया। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। इस पर प्यारी बिटिया भी आई हुई है, पूछे प्यारी बिटिया से कितना जान रही है अपनी महिलाओं की, समाज को और समाज के निर्माण में महिलाओं के योगदान को। सबसे पहले अपना परिचय करवाएं। मैं त्रस्वी शर्मा, एसटी कॉलेज होशियारपुर की विद्यार्थी। आपको पता है महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहले किसने वाई उठाई थी भारत में? सावित्री बाई फुले जी ने। क्या जानते हैं उनके बारे में? मिलता था। आपको लगता है कि महिलाएं आज पीछे हैं पुरुषों से? महिलाएं आगे आ रही हैं। महिलाएं आगे आ रही, प्यारी बिटिया का सुंदर जवाब। सो आइए बने रहिए हमारे साथ। महिला दिवस पर समर्पित होशियारपुर की प्यारी बिटिया, आइए उनके विचारों से आपको अवगत करवाएं। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं जीडीटी तलवाड़, वार्ड नंबर 4 से एमसी होशियारपुर से, स्टेट की सेक्रेटरी हूँ महिला मोर्चा की और भारत गौरव की संचालिका हूँ। महिला सशक्तिकरण से आपका क्या भाव है? महिला सशक्तिकरण जी, महिला की पावर्स जो आज तक है, हमने माता सीता से लेकर आज तक के लिए और महिलाओं के लिए करते हैं इस समय। हाँ जी, जिस सारे सोशल वर्क जो भी है हमारा, वो इसी में हम सारा इसी में करते हैं। महिलाओं को पढ़ाना या उनको रोज़गार देना या उनको सक्षम बनाना कि अपना परिवार पाल सकें, ये सारे हम उसी में करते हैं। मैं मीनू सेठी, म्यूनसिपल काउंसलर और डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा प्रेसिडेंट बीजेपी। महिला दिवस के शुभ मौके पर इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं इसके भागीदार बनकर? बहुत अच्छा, क्योंकि महिला हमेशा ही अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत संरचना है भगवान की तरफ से। भगवान ने उसको इस तरह का बनाया है, वो कोमल है पर कमज़ोर नहीं, ऐसा भगवान ने उसको बनाया है। तो आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि महिला के बिना घर घर नहीं, और घर तभी बनता है जब महिला हो। महिला के बिना तो घर नरक है, महिला के साथ घर स्वर्ग है। हज़ार बूंदों से एक समुद्र बनता है, हज़ार दीपों से एक आरती बनती है, पर एक महिला के घर होने से ही घर स्वर्ग बनता है। हमारे साथ बने हुए हैं हिज एक्सलेंट स्कूल एंड कोचिंग सेंटर के अध्यापिका, आइए इनके विचारों से भी आपको अवगत करवाएं। सबसे पहले अपना परिचय करवाइए। माय नेम इज़ रोजी खुराना, मैं हिज कोचिंग सेंटर में मैथमेटिक्स की लेक्चरर हूँ। आज यहाँ पे महिला दिवस के उपलक्ष्य पे हमें यहाँ पे बुलाया गया, हम सहित सारे स्टाफ के मेंबर्स यहाँ पे आए हैं। एंड यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ हम बैठे थे, इवन विजय सांपला जी ने बहुत अच्छी अच्छी उदाहरण दी कि महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और हम लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमें एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए, और मोरओवर हमें ये देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे भी हमें लगता है कि किसी के साथ, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, या कहीं भी हम देखते हैं कन्या भ्रूण होती है या उसके मामले में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। मैम, आप अपने हिज एक्सीलेंट स्कूल एंड कोचिंग सेंटर में बेटियों को किस तरह से प्रेरित करते हैं समाज में आगे बढ़ने के लिए? हमारा पूरा योगदान रहता है बच्चों के साथ, हम इस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं कि अगर उन्हें कहीं भी कुछ ऐसा फील होता है, लाइक वो हमारे पास आके बोलते हैं कि मैम हमें ये चीज़ आज अटपटा लगता है या कुछ भी बिहेवियर पे, तो हम उनको गाइडेंस देते हैं, हम उनको बताते हैं कि उस दौरान वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उस जो भी हो रहा है उससे कैसे वो लड़ सकते हैं। कैमरामैन सतीश शर्मा जी के साथ मैं बजरंगी पांडे, होशियारपुर न्यूज़।